फ्रेंड्स नमस्कार। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करते हैं सब लोग अच्छे। दोस्तना किचन में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, तो आज हमने पोरो साग या पुई साग जो भी आप कहें उसका पत्ता का आज बहुत बढ़िया कचड़ी बनाए हैं। कचड़ी या फ्राई या पकोड़ा जो भी आप कहें, तो पूरे पूरे पत्ता का जो है आज हम बनाए हैं। तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, स्वादिष्ट लगता है। तो जो है अभी पहला पहला ही पत्ता हुआ था, तो आज हम पहले दिन ही पत्ता को तोड़े हैं और बनाए हैं। तो आइए फुल रेसिपी को देखते हैं कैसे बनाए हैं। फ्रेंड्स रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पे हम पुई साग के पत्ता ले लिए हैं, पुई साग या पुरो साग जो भी आप कहें। तो ये जो है हम छत पे बनाए हैं, छत के ऊपर जो है बोरा में मिट्टी दे के फिर बनाए हैं। तो बहुत अच्छे से जो ये बना है, फर्स्ट बार जो है इसका हम पत्ता तोड़े हैं, पुई के पत्ता तोड़े हैं। तो इसको आज हम कटिंग नहीं करेंगे, ऐसे ही से मुझे पूरा गोटा गोटा पत्ता का जो है हम फ्राई बनाएंगे। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। पुई साग जो है सेहत के लिए हमारे बहुत अच्छा है। तो चलिए फिर बनाते हैं। तो यहाँ पे हम बेसन ले लिए हैं, और बेसन में जितना बेसन है उसका आधा, बेसन का आधा हम दे देंगे चावल का आटा। चावल का आटा देने का इतना ही है कि बहुत ही कुरकुरा बनाएगा और खाने में अच्छा भी लगता है। दे देंगे स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर दे देंगे। अब हरी मिर्चा को भी पीस के दे सकते हैं, तो लाल मिर्च का पाउडर थोड़ा हम ज्यादा देंगे क्योंकि साग है, तो साग में थोड़ा मिर्चा होता है तो अच्छा लगता है खाने में। मिक्स कर दिया। अब हम पानी देते जाएंगे और अच्छे का एक जो है थोड़ा गाढ़ा एक बेटर बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी देते जाएंगे और गाढ़ा जो है घोल बना लेंगे। तो फ्रेंड देख सकते हैं इतना गाढ़ा गाढ़ा हम बना लिए हैं, ऐसे बस हो गए घोल लिए हैं। तो फ्रेंड्स फ्राई करेंगे हम तवा पे, आप किसी पे भी फ्राई कर सकते हैं जिसमें आपका सुविधा हो। तो यहाँ पे हम तवा गरम कर लिए हैं, तो थोड़ा तेल को जो है फैला देते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे जो पोरो साग का पत्ता लेंगे, तो ये जो मोटा मोटा डंठल है इसको थोड़ा सा हम अलग कर देंगे। तो ये छोटा है, इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे, दो दे दिए हैं बीच में, एक छोटा एक बड़ा, और जो है अब बेटर में हम डुबाएंगे इस तरीका से। आप जो है दे देंगे, ऐसे जो सारे पत्ते का डंठल जो है थोड़ा मोटा होता है, तो इसको हम हटा देंगे और ऐसा करके फोल्ड करके इसको दे देना है। तो फ्रेंड्स ये दो हो चुका है एक साइड, तब हम पलट दिए, इसको भी पलट देंगे, इसको साइड दे देते हैं। इधर भी एक हम और दे देंगे। तो ये बहुत जो है कम तेल में हम फ्राई करेंगे और खाने में फ्रेंड्स बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। इस टाइप से जैसे कद्दू के पत्ते होते हैं, तो वो भी मैं फ्राई करके खाने में बहुत अच्छा लगता है। कद्दू का जो छोटा छोटा पत्ता होता है ना, वो वाला पत्ता, बड़ा वाला पत्ता नहीं, छोटा पत्ता जो एकदम शुरू में होता है, लास्ट में होता है, जो छोटा छोटा होता है वो। तो ऐसे जो है अलग पलट करके जो है हम 4-5 मिनट लगेगा अच्छे से फ्राई होने में। ये ऊपर से थोड़ा सा क्रंची पान आ जाए, कुड़कुड़ा आ जाएगा, तब तक हमें फ्राई कर लेना है। तो फ्रेंड जब भी फ्राई करें फ्लेम को जो है आपको मीडियम रखना है, ताकि अंदर में जो है अच्छे से फ्राई हो सके। तो अंदर में होगा एकदम नरम नरम, ऊपर से एकदम कुड़कुड़ा होगा, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो जिस तरीका से मैं बना रही हूँ एक बार जरूर ट्राई करके देखे, आप सबको बहुत पसंद आएगा। और मेरे वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दे और कमेंट्स में बताओ मेरी रेसिपी आप सबको कैसा लगता है, और आपको कौन सी रेसिपी देखना है। अगर आपको कोई रेसिपी का डिमांड हो तो प्लीज कमेंट्स में बताएं।
तो ऐसे जो है देख सकते हैं इधर जो है अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, उधर भी फ्राई हो जाएगा तो हम निकाल लेंगे। कितना सुंदर लग रहा है देखने में। तो ये फ्रेंड्स बहुत अच्छा लगता है खाने में, तो एक बार जरूर ट्राई करें मेरे कहने से। तो फ्रेंड्स रेडी है, बहुत गर्म है ये भी, बहुत ज्यादा गर्म है, जो ठंडा है उसको दिखाते हैं। ये देखिए। तो फ्रेंड्स कैसी लगी मेरी रेसिपी, अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बाय।